दादी माँ, तुम जानती हो आज स्कूल में क्या हुआ? हेडमास्टर जी के अंगूठे को चोट लगी, खून ही खून। अच्छा, सारा दिन लंगर ते घूम रहे थे बेचारे हेडमास्टर। आज उनको छुट्टी मिल गई, किस्मत वाले निकले थर्ड फॉर्म वाले। स्वामी, सोए नहीं अभी तक? कल सुबह तुम्हें जल्दी उठकर पढ़ना है ना। देखो ना दादी माँ, पिताजी कैसे परेशान करते हैं मुझे, जब देखो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ स्वामी, परेशान करता हूँ मैं, पर याद रखो दादी रुक सकती है, परीक्षा नहीं। गप्पे लड़ाने को कभी भी वक्त मिल जाएगा तुम्हें। जल्दी सोओगे नहीं तो उठोगे कैसे? सो जा राजा। पर साहब, मैं सारा दिन रसोई घर में काम करता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ तुम रसोई हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा दिन गप्पे लड़ाते रहो। जाओ अपना काम करो। हे भगवान, इनके कोर्ट में भी छुट्टी चल रही है। और तुम लोग भी जल्दी करो, एक घंटे के अंदर काम पूरा हो जाना चाहिए। स्वामी, कहाँ चले तुम? कहीं नहीं पिताजी। और कल इस वक्त कहाँ गए थे? यही था। झूठ मत बोलो। चलो, तुम कल घर पे नहीं थे मुझे मालूम है, समझे? और आज कहीं बाहर नहीं जाओगे। हाँ जरा समझाइए इसे, सारा दिन धूप में इधर उधर घूमते रहता है, कहीं लू लगकर बीमार पड़ जाए तो। चलो, सुब्बू कहाँ है? दादी माँ के पास है। कई दिनों से तुमने अपनी किताबों को हाथ नहीं लगाया। छुट्टियों में भी मुझे पढ़ना होगा क्या? क्या तुम ये समझ बैठे हो कि तुम बीए पास कर चुके हो? लेकिन पिताजी, ओहो, आपने कहा था कि परीक्षा के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं, जो चाहे करो। तुम पहले अपनी किताब और मेज पर जमी हुई धूल को साफ करो। मकोड़ा हटाओ इसे, हटाओ। मकोड़े को फेंक दो बाहर, फेंक दो। क्या कर रहे हो? एक मकोड़ा फेंकने को सारा दिन लगा? नहीं पिताजी। फेंका, साफ करो। हाँ। ये भी कोई तरीका है? जल्दी जाओ और एक पोछने का कपड़ा ले। स्वामी। दादी माँ, मुझे पोछने का कपड़ा दो जल्दी। मैं कहाँ से लाऊं पोछने का कपड़ा? मैं कहाँ से लाऊं? अगर छुट्टियों में भी पढ़ना हो तो छुट्टियाँ देते क्यों है? क्या हुआ रे जामी? दादी माँ, अगर पिताजी को काम नहीं तो वो सो क्यों नहीं जाते? कपड़ा मिला? नहीं, माँ से पूछता हूँ। माँ, तुम तो बहुत अच्छी हो, हम गरीबों को अकेला छोड़ दो ना। पिताजी से मेरी शिकायत क्यों की? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चलो मुझे एक कपड़ा दो जल्दी। कौन सा कपड़ा? मुझे क्या मालूम, पिताजी कहते हैं मेज और किताबें साफ करो, छुट्टी बिताने का अच्छा तरीका है। मैं नहीं उठ सकती अब। नहीं उठ सकती? ए स्वामी, स्वामी आ गए। अच्छा, साफ करो, इतने बड़े हो गए ढंग से काम करना नहीं सीखा। हाँ वहाँ भी, अब एरिथमेटिक करते हैं, आ जाओ। पिताजी सुनिए, 9.5 एक्सरसाइज नंबर 3। ये लड़का हद से आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए ना, बच्चे का कपड़ा खींच कर ले आया। इस घर में है कोई इसे संभालने वाला? ये छुट्टियां भी खत्म नहीं होती। आपसे बात करना तो बेकार है, आप और इसमें कोई फर्क नहीं। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, इस घर में डिसिप्लिन की जरूरत है। कहाँ पहुंचे हम? स्वामी, स्वामी, ए राजम, स्वामी जल्दी आओ। मणि, चल। मनी, ये तेरा किला और कितनी दूर है? अरे यहीं तो है, चल। मैं तो थक गया हूँ। हाँ, मेरे भी पैर दुख रहे हैं। मेरे नाजुक कलियों, बस
इतने में ही थक गए, पहले ही कह देता तो तेरे घर के बगीचे में पिकनिक मना लेते। वाह रे पहलवान, आधे घंटे से चल रहे हैं हम। हाँ, किले का तो नामों निशान नहीं। हाँ राजा, मुझे भूख लगी है। मुझे भी, चल बैठ कर खाते हैं। तू क्या लाया है? केक्स। तू? अचार। नींबू का? ला दे दे दे। क्या है? पंजा, चीते का पंजा। चीते का? नहीं नहीं, तुझे कैसे पता? मेरे चाचा कह रहे थे यहाँ बहुत आदमखोर चीते हैं। आदमखोर? मेरे चाचा को कैसे पता? वो तो फॉरेस्ट ऑफिस। ये ले हड्डी। अरे राजम लेना। ए हटा हटा इसे, हटा। स्वामी चल जल्दी भाग। मनी के बच्चे को कभी नहीं लेके आने का, हमेशा डरा देता है। क्यों, कैसा लगा किला? ये किला है, पत्थरों का ढेर है। होगा, पर एक जमाने में सचमुच का किला था। तुझे कैसे पता? मुझे सब पता है। मेरे चाचा कह रहे थे कि मालगुडी के राजा और रानी यहाँ रहते थे। उनके पास सब था, सेना थी 10,000 सिपाहियों की, हाथी घोड़े तलवार ऊंट सब था। साजन स्वामी, साजन मणि, आओ मेरे साथ। हाँ सरकार। हाँ सरकार। साजन मणि, हमारे राज्य में सब ठीक तो चल रहा है? नहीं सरकार, हमारे पूर्व दिशा के पड़ोसी हम पर हमला करने आ रहे हैं। क्या, कुंभम वालों की ये मजाल? हाँ सरकार। सरकार, कुंभम की सेना। साजन मणि, घोड़े ले आओ। हाँ सरकार। ए, जल्दी जल्दी। कूच करो। हो हो, साजन स्वामी, आ साजन स्वामी, उस पहरेदार पर तीर चलाओ। महाराज, एक मिनट। महाराज, कुंभम का राजा। कुत्ते कमीने। हाँ साजन स्वामी, इसका सर काट दो। हाँ सरकार। सरकार? सर काटूं? हाँ। आपका मतलब है? हाँ। इसे जलकुंड में फेंक दे तो? और वो तैर कर बाहर निकल गया तो? पॉइंट बी नोटेड सरकार। ए! जब तक फैसला नहीं होता इसे उस काल कोठरी में बंद कर दो। काल कोठरी? हाँ वहाँ। जा।
रजम रजम राजन स्वामी, राजा का क्या हुआ? राजा को भूल जा राजम, वहाँ भूत है, एक नहीं दो नहीं हजार दो हजार भूत। भूत भूत कुछ अकल आई तुम्हारे बेटे को? कोई फायदा नहीं, उसने तो तय कर लिया है कि वो स्कूल में कभी नहीं लौटेगा। ये कैसे चलेगा, 8 दिन हुए गधे की तरह घर में बैठा है। किसी दूसरे स्कूल को नहीं भेज सकते उसे? अभी साल के बीच आसान नहीं है लक्ष्मी। कहाँ है वो? स्वामी 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 यहाँ सुनो, मैं तुम्हें बोर्ड स्कूल में दाखिल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन याद रखो मालगुड़े में सिर्फ 2 स्कूल हैं। अगर वहां जाकर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो फिर भेजने को मालगुड़े में और कोई स्कूल नहीं है, और मैं तुम्हें यूं ही घर में बैठने नहीं दूंगा, समझे? जी पिताजी। जिद्दी गधा, ये तो हद हो गई। हर शिक्षक समझता है कि उसके विषय के अलावा हमें पढ़ने के लिए और कुछ है ही नहीं। इतना होमवर्क देते हैं, ऊपर से ड्रिल, स्काउटिंग, खेलकूद, हमें सांस लेने को भी वक्त नहीं। हाँ, अल्बर्ट मिशन में तो कुछ काम ही नहीं होता था। अच्छा बच्चू, तो अब अल्बर्ट मिशन की याद आ रही है ना? हाँ, तुम सब दोस्तों की याद आती है। राजम कैसा है? अच्छा है, पर अभी तक तुझसे नाराज है। आज मैंने बुलाया था उसे, इनकार कर दिया उसने। और शंकर? एक दो महीनों में मालगुड़ी छोड़कर चला जाएगा, उसके पिताजी का ट्रांसफर हुआ है ना। और मटर कैसा है? हमेशा की तरह बीमार। मैं जानता हूँ राजम यहाँ क्यों नहीं आया, उसके पिताजी सरकारी नौकर है ना। चल छोड़ना, आज नहीं तो कल दिमाग ठंडा हो जाएगा उसका। चल स्वामी चल, ट्रेन के साथ दौड़ लगाते हैं। चल उठ, 1 2 3 दादी माँ, दादी माँ, अब पेट कैसा है तुम्हारा? तू आ गया चामी, खाना खाया तूने? नहीं अभी नहीं, पेट अभी भी दुख रहा है। नहीं रे राजा। नींबू, नींबू मिला तुम्हें? चामी तू गया नहीं ना नींबू लाने, अच्छा किया। रसोई घर में तेरी माँ के पास 10 नींबू पड़े हुए थे। दादी माँ जानती हो राजम ने हमारी टीम पर कितने पैसे खर्च किए हैं? आज हमारा सारा सामान आ गया। बैट बॉल खरीदना कोई मजाक नहीं दादी माँ। हाँ सच है। सरकार भी हमें पहचानती है, तुम देखती जाओ अब हमें क्रिकेट में कितने पुरस्कार मिलेंगे। क्रिकेट वो क्या होता है? मजाक कर रही हो, क्रिकेट नहीं जानती? नहीं रे राजा। तुम्हारे जमाने में मर्द और लड़के क्या करते थे शाम को? सारा दिन पूजा पाठ में बिताते होंगे। अच्छा अब मैं तुम्हें क्रिकेट समझाता हूँ। हाँ राजा समझा तू। अभी एक खेल एक या दो लोगों का नहीं। दो लोगों का नहीं, दो टीम खेलते हैं। अच्छा 11 लोगों की एक एक टीम। 11 लोग, 2 बल्लेबाज दो तरफ खड़े होकर रन्स बनाते हैं, समझी? किस विषय पर प्रवचन दे रहे हो? कुछ नहीं पिताजी। चलो सुनाओ।
मैं भी तो सुनूं। कुछ नहीं, दादी माँ क्रिकेट के बारे में कुछ जानना चाहती थी, मैं उन्हें समझा रहा था। माँ, स्वामी ने तुम्हें सब कुछ ठीक ठाक समझा दिया ना? बेचारे बच्चे को मत चिढ़ा सीनू, कितना प्यार करता है ये मुझे, इसकी वजह से तो इतनी बातों का पता चलता है मुझे। तुम सबको मेरे साथ बातें करने की फुर्सत ही कहाँ, अब तो बड़े हो गए हो ना। उसे जरा बड़ा होने दो, वो तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा। इस बुद्धू की तरह नहीं, बहुत अकलमंद है वो। 10 महीने पूरे नहीं हुए, बात करने लगा है अभी। हाँ।